अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज मैं बना रही हूँ संडे स्पेशल में नाश्ता। तो सब बहुत लेट से उठे थे सोए हुए, तो मैंने कहा आज बनाती हूँ स्क्वायर पराठा, बहुत ही मज़ेदार सा जी। हमने यहाँ पे एक पेड़ा ले लिया, उसको अच्छे से बेल के उसको हमने जी उसको स्क्वायर शेप दे दी, फिर दोबारा उसके ऊपर घी लगाया, दोबारा थोड़ा सा मैदा डस्ट किया और इसको हमने दोबारा से फोल्ड कर दिया ऐसे। तो अभी हम इसको बेल के अच्छा सा पराठा बना लेंगे। पहले इसको मैंने छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए, क्योंकि ये अच्छे से सेट हो जाए और अच्छे से बेलने हो। तो ये देखें जी, हमारा बहुत ही मज़ेदार सा पराठा है, स्क्वायर पराठा। तो अभी हमने इसको लगा दिया है जी ऑयल, इस पर बना देंगे पराठा। आज बच्चे कह रहे थे कि मम्मा कोई अच्छा सा पराठा बनाएं, आज मज़ेदार सा लंच करते हैं। तो मैंने कहा मज़ेदार सा तो फिर यही है, हम लोग गर्मियों में पराठा नहीं खाते, लेकिन आज फिर खाना पड़ा क्योंकि बच्चों की फरमाइश थी उनके बाबा की, तो इसलिए फिर मैंने बना दिए पराठे, स्क्वायर पराठे बनाए। साथ जी बहुत आज मेरे साथ फ़न हो गया। मेरी बेटी कहती है कि मम्मा मैंने आज स्टार वाला एग खाना है। तो यहाँ पे हमने स्टार वाला एग, वो जो क्या इसको कहते हैं, ये लिया। तो इसमें जी मैंने डाला एग, तो वो जो एग था वो सारा साइडों से बाहर निकल गया स्टार शेप में से। तो फिर मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला डाला ताकि कोई इसका टेस्ट आ जाए। फिर मुझे लगा कि ये शायद अच्छा बन जाएगा, साइडों से हम निकालेंगे तो इसकी शेप बन जाएगी स्टार की। पहले तो मुझे लगा था कि ये सारा जो अंडा है वो स्टार के अंदर ही रह जाएगा, लेकिन हमारे साथ हैंड हो गया। तो ये देखिए, जब मैंने इसको निकाला तो इसकी ऐसी शेप थी, ऐसा लग रहा था ये। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मा स्टार के बजाय आपने कुछ और ही बना दिया है। तो फिर जी हमने उसको छोड़ा एक साइड पे, तो फिर हमने दोबारा से 2 अंडे लिए, उनमें नमक चाट मसाला डाला, लाल मिर्च का पाउडर डाला, उनको अच्छे से फेंट लिया। फिर हमने इसको जी गरम गरम तवे पे डाल के अच्छा सा ऑमलेट बना दिया, ताकि वो तो खाने के काबिल था नहीं स्टार वाला अंडा इतना, तो हमने ऐसे वाला ऑमलेट बना दिया। ये बहुत ही मज़ेदार सा अंडा बन गया देखें। तो इसको भी हम निकाल लेंगे जी। तो हमारा नाश्ता बन के तैयार है बिल्कुल, चाय भी रख ली, पराठे भी, अंडे भी। तो अभी हम इन्जॉय करने लगे हैं। तो छोटा सा व्लॉग आज का, अगर आपको मेरा अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।